अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर हाफिज आफ्ताब अहमद और आप देख रहे हैं मेरे चैनल आफ्ताब वेटनरी क्लिनिक। ये केस प्रेजेंट हुआ है हमारे पास, इसके कौ की जो है रिसेंटली कोई 24 घंटे पहले पार्चुलेशन हुई है, तो लेकिन इसके एक थन से जो है कोई कुछ नहीं आ रहा है, कोई दूध नहीं आ रहा है, कोई पानी नहीं आ रहा है, कोई चीज़ नहीं आ रही, जस्ट जो है वो एक सिंगल ड्रॉप आता है वाटर का, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं आ रही। तो इससे जो प्रीवियस मिल्किंग थी उसमें यह थन बिल्कुल ठीक था, तो 2 महीने जो है इसका ड्राई पीरियड है, उसके बाद जैसे इसकी पार्चुरेशन हुई है तो बाकी 3 थन चल रहे हैं, इस थन में से कोई चीज़ नहीं आ रही। तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम होता क्या है, प्रॉब्लम होता इसलिए है कि अगर जो है एनिमल की मिल्किंग हैंड मिल्किंग हो रही है, तो हैंड मिल्किंग हो रही है और कुछ लोग जो है इसको थंब मिल्किंग करते हैं, अंगूठा जो है वो मिट्टी बना के अंगूठा बीच में रख के उससे मिल्किंग करते हैं। उससे क्या होता है कि थन के अंदर जो है थन के जो मिड है वहाँ पर जाके एक झिल्ली सी बन जाती है, तो जैसे ही एनिमल को ड्राई करते हैं तो वो झिल्ली जो है वो जो है फैल के तो है वो थन का रास्ता बंद कर देती है। ऊपर अडर में दूध फील होता है लेकिन नीचे कुछ नहीं आता। तो इसका हल जो है वो हल अभी हम करने वाले हैं। तो हल में जो है वो ये किया जाता है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको बोलते हैं टी ट्यूमर एक्सट्रैक्टर। तो इससे जो है वो झिल्ली को जो है रिमूव किया जाता है। कैसे कि झिल्ली के अंदर से जो है वो इसको गुजारा जाता है और झिल्ली के टुकड़े जो हैं वो थोड़े से इसी के साथ ही लग के कट के जो है वो बाहर आ जाते हैं, तो उससे जो है वो ये थन खोल जाता है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको एटलीस्ट 3 डेज़ तक जो है वो अच्छे वाले एंटीबायोटिक और पेन किलर देना है, और थन के अंदर से जो है वो जो इंटरमेमरी ट्यूब मिलती हैं वो आपने देनी है। तो देखें जैसे ही इसके जो है वो ये झिल्ली जो इसके थन में बनी थी वो रिमूव होगी तो जो है मिल्क आना शुरू हो जाएगा। और इसकी जो गारंटी है कि अगर आप पूछें कि जो है वो थन ठीक होने की क्या निशानी है, या आप कह लें कि ऑपरेशन के सक्सेसफुल होने की क्या निशानी है, तो वो उसकी निशानी ये है कि कितनी कम से कम ब्लीडिंग होती है। क्योंकि ब्लीडिंग का मतलब ये है कि जो है इस थन के अंदर जो नॉर्मल टिश्यू है वो भी जो है वो रप्चर हो गया या इसके साथ आ गया है। तो जैसे ही नॉर्मल टिश्यू रप्चर होगा उससे ब्लीडिंग होगी, और ब्लीडिंग का मतलब ये है कि बाद में उस हिस्से ने हील होना है। जैसे ही वो ज़ख्म जो है इसके अंदर हुआ है भरेगा तो ये थन दोबारा बंद हो जाएगा। तो देखें अभी हमने किया है तो इसके अंदर जो है ब्लीडिंग नहीं हुई, कोई ब्लड का जो है नॉट इवन सिंगल ड्रॉप जो है वो बाहर निकला है, कोई ब्लड का एक कतरा भी नहीं आया। तो इसका मतलब ये है इस थन के ठीक होने के चांसेस जो हैं वो मैक्सिमम है, इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।